तरह ये देखें सुभान का और गोलू का हाल है, दो ढाई बना के ढाई बजे ना इन्होंने खानी है चिप्स, साथ में बिस्किट चाय। ये है मेरे बच्चे गोले, ये शरीफ बच्चे हैं, ये आप शरीफ बच्चे देख लो। चिप्स खानी है, खाना नहीं इन्होंने खाया, राही देख लो चाय पी रहे थे। साड़ी तो अपने आप ही सुनोइंदी है। अरे एक व्लॉग की वीडियो लगाई है तो दूजी तैयार है अभी नाइट की वीडियो लगाई है व्लॉग की, अल्लाह हाफिज किया था तो बच्चों ने फिर काम स्टार्ट कर दिया। मामा ने फिर दोबारा इनके लिए ना चिप्स फ्राई की, दूसरे दिन स्टार्ट कर लिया, दूसरे दिन का हो गया हमारा। गुड मॉर्निंग जी फ्रेंड, ये देखिए सुबह ने करना नाश्ता, और किस तरह का करना जी? मरचूदा किस तरह का फ्राई करना है? वो फर्दी और अंडा नमक वाला। हाँ वो तो नहीं करना, कुछ क्या वो डालना कुछ मसाला हाँ डालना है, नमक भी डालना है। हाँ नमक वाला ज़्यादा भी आना होता है, ये वाला काली मिर्च मसाला डाल लो। जल्दी को पकाना, जल्दी को वर्दी को नहीं वर्दी बीच में निकाल देना, वर्दी को निकाल देना है, जब तुम खाओगे फिर निकाल देना। ठीक है समान नहीं करना नाश्ता, और कितने खाने हैं? दो अंडे और चार ब्रेड। दो अंडे खाने हैं और ये देखो चार ब्रेड इधर बन रही है, चार चार आठ हो दिए दम भरे है, दम डरे है इधर मुझे इधर देखना, ये जी तेरा अंडा ठीक है किसे लगा? इस तरह का वो देखे कैसा बना है मजेदार। वो साथ में गया उसके ऊपर डालना है मसाला, डाल दो हाँ डाल दो। नहीं नहीं ये वाला नहीं, कौन सा डालना है? कोई नहीं जैसे ये मजा आता है काली मिर्च वाला। चलो ठीक है डाल दो, हल्का हल्का सा टेस्ट वो डाल ही हल्का से डालना है यार, क्या हो गया तो सही वाली है कैसा बना है डालना यहाँ से हो रहा है यार कितनी ब्रेड है अगर आप वीडियो को लाइक और कमेंट करो बड़ा प्यार किया हुआ है, मेरा सुभान मेरा पारा और सारे बड़ा प्यार करते हैं आपको। चौधरी ये देखिए जी फ्रेंड्स, कामरा का जो सैंडविच रेडी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसको कामरा ने मायने नहीं डालनी, सिर्फ केचप डालूंगी, प्याज हरी मिर्च इसको मैंने डाली है, इसके अंदर गया अंडा। सुबह खाना कुछ खा के नहीं गए थे, दोपहर को आए हैं तो शाम को भी खाना बनाऊंगी, तो इनको ना खाना हल्का फुल्का सा नाश्ता करवाऊंगी, इस तरह कामरा का जो सैंडविच है ना उन्हें इस तरह रेडी किया। देखिए कामरा ने मायनेज नहीं लगाई, इस तरह खाना पसंद करते हैं। शुक्र है मेरी जहाँ पर चीज़ खाने लगी है, ये खाने वाले पास तो जल्दी आती नहीं है, तुम मजा आएगा मेरा बहुत अच्छा लगा, मजा नहीं लगता था हूं लगा था बहुत अच्छा लगा तुम तो कब से लग गए हो इजी हो के खाओ गाइस। इधर देखे मामा जी ने ना अचार की कटिंग कर ली है, और साथ में अब देखिए देखिए मामा जी अचार को काट रही है, और ये यहाँ पर अभी तो बड़ा फ्राई चार पड़ा हुआ है। ये देखिए सारा को बड़े अच्छे से पेट भरे कर लिया था, ये मैंने इसकी कटिंग कर रही थी, ये कटिंग करूँगी बाद में इसका तरीका बताऊँगी कि इसको मैंने कैसे करना है फ्राई, तो क्योंकि मैं सोचे थोड़ा कि आपको बताती रहूँगी साथ साथ, तो इसको कटिंग करके ना सारा चार तो सारा कटिंग करके बाद में हम इसका जो है ना बनाएंगे मसाला, इसमें क्या क्या डालेंगे तो मैं आपके सामने फ्राई भी करूँगी। ये देखिए अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है यहाँ पर, कामरा चले गए थे शॉप पे तो मैंने कहा चलो मैं जो ना अभी बैठी हूँ अभी मैंने इसका जो ना चाट कर काम की कटिंग वगैरह कर लूँ मैं आपको बताऊँ। बड़ा अच्छा और बड़ा मज़े का फ्रेंड ये चार होता है, बड़ा मज़े का होता है, लेकिन ये हम ऐसे नहीं खा सकते वैसे, बड़ा अच्छा ये मज़े का फ्रेश होता है।
जी मेरी जान की गल तबीयत नहीं सही मेरे काके दी आज की सही गल आज की पका लगा आज बना लगी हूँ आलू चिकन शोरबा साबुत चावल अच्छा आलू चिकन शोरबा साबुत चावल तड़के वाले चावल हाँ तड़के वाले दो से खाने आलू सही है माशाल्लाह जी ये काम ही बड़ा किता सुबह आने मम्मा को वाटर दे रहा है बहुत काम करता गोला समान गोलू मोलू है आगरा में मुझे भी गोलू मोलू बोला तो जी आसमान है कटिंग शटिंग वाह ही कर ले दिया मेरी जान ने आप ही सारा कटिंग की थी है मैं दुकान पे सी ते बस खाने की तैयारी कर रही हूं कि मैंने चार की रेसिपी बताऊंगी आपको वो लैदा लवेंगे ना हाँ वो लैदा चार दिन लवेंगे मेरे साथ कहाँ जा रहा तू कहाँ जा रहा मेरे साथ यार आस्था इधर है ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੂ ਚੜੇਲੀ ਚਮੜ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਪਲਾਜੇ ਚਲੋ ਮੈਨੇ ਮੂਵੀ ਕਰਾਨੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਸੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਯੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਚਿਕਨ ਸ਼ੋਰਬਾ ਆਲੂ ਔਰ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਅਜੇ ਤੇ ਚਿਕਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੌੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ये क्या कह रहा है मैं इसकी बात क्या करूं रेहान गुजरा वाले से आ गया रेहान के साथ जाओ जाओ गोलू को ना गुस्सा आ रहा है आसवा मेरे को गोलू को गुस्सा आ रहा है आसवा क्या करूं फिर गोलू को क्यों गुस्सा आ रहा है गोलू फिर लेते हैं आप इसको फिर चलो ठीक है वीडियो कौन बनाएगा आपकी वीडियो कुछ बना रहे पहले नमक लगा रही है चलो ठीक है अब प्लाजा बंद हो जाना आसवा जानू मनु नहीं पिलानी सारे उधर लाइया मनु आवाज भेज नहीं सारे भाई नहीं अच्छा तो बस ठीक है दो कोटी भी देना सारे अपने पे सारे अपने डाल रहे हैं मैं डाल रहा हूँ नमक डाल रहा हूँ बोतल बड़ी मीठी है अच्छा कल मैं ना आज आपको बताती हूँ अपनी जो आलू चिकन की जो रेसिपी है ना मैं अपने रंग के साथ ये करती हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक साथ में मेरा एक किलो चिकन है साथ में रखो ये थोड़े से ये आलू है यहाँ पे मेरे एक प्याज भी है ब्राउन ब्राउन करना है चावल तड़के वाले पकाने हैं और यहाँ पे मेरे चावल है इसको मैंने भिगो लिया हुआ है यहाँ पे नमक है हल्दी है लाल मिर्च है जीरा है काली मिर्च है और ये दालचीनी है ये जो मैंने प्याज ब्राउन किया हुआ है ना ये आयल उसमें डाल दिया ये आयल गर्म हो गया मेरा ये प्याज का कटिंग किया हुआ है इसके अंदर जाएगा उसको मैं अच्छे से ब्राउन करूँगी ब्राउन करने के बाद उसे मैं पानी डाल दूँगी ये हो गया और ये मेरा प्रेशर कुकर ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरे पास एक और भी है नया ਮਰਜ਼ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪੇ ਨਵਾ ਲੈ ਲੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਰਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਸਾਲੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਲੂਗੀ ਗੋਲੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਡਾ ਰਹਾ ਹੈ ਗੋਲੂ ਗੋਲੂ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਡਾਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਾਲਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮੇ ਆਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ ਰੰਗ ਰੰਗ ਇਹ ਜੋ ਮਿਰਚੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਲਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਸਾਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ये बड़े थोड़े मसाले हैं और बड़ा अच्छा सालन बनेगा आलू चिकन शोरबा इसके अंदर चला गया और ये है इसका पानी इसको मैं लगाऊंगी वेट डूब गया यहाँ पे मैंने चिकन कर रही हूँ फ्राई यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है सारा फिर चिकन फ्राई कर लूँगी यहाँ पे मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है और ये गया मेरा ढक्कन
साथ ही मैंने ना पता क्या करना है, इसके अंदर जो मेरा आयल है ना, जो मैंने डाला है अभी कढ़ाई में फ्राई वाला आयल, ये मैंने सालन में यही आयल डाल देना इसी में। अभी फिर बंद करेंगे अभी, क्योंकि इसका जो चिकन का आयल होगा ना, ये जो आयल है ना आयल, इसके अंदर चिकन का टेस्ट चला जाएगा, ठीक है ना। स्टॉप कर लेने, हाँ जब डालूंगी अभी नहीं ना, जब मैं फ्राई करिए अभी, तब तक ये मेरा मसाला है ना, तो मैं 15 से 20 मिनट वेट लगाऊंगी ना आपको। जो मैं आपस पास लागे खड़ा ना, खर्च खर्च टकड़म टकड़म दिख रही है, टिकड़ा सारी आवाज़ आती है। ये मैं जगह सही आना सामने हो गया, ये देखो मैं उठा लिया। वैसे एक गल दसा, इधर किचन दे विच लेडीज होए तो रौनक होनी है, घर दे विच आसवा होए तो रौनक है, ना होए तो ऐसे अंज है जे घर दे विच कोई है ही नहीं। तो फिर आए है कि माशाल्लाह ना फैमिलियां होन तो रौनक होंदी है, और बहुत खुश नसीब लोग होंगे ने जेडे अपनी फैमिलिया के नाल खाना खाते ने, बनाते ने, पकाते ने, तो लाइफ भी यही होंगी है कि तुसी घर खाना खाओ, थोड़ी मिसिज थोड़े लिए खाना बनाए चाहत प्यार नाल मज़े नाल, तो तुसी मज़े नाल। वैसे मैं खाना बनाती हूँ बड़े मज़े का, बड़े दिल से बनाती हूँ। हाँ तो फिर असं भी दिल नाल ही खाने, देखिए असं कि मज़े नाल खाने। सही गल है, मैं बचपन की खुशबू याद आती है, जो मैं आंदा रहा सी ना स्कूलों आना स्कूलों, क्योंकि शाम नू ना असी बाजार गली दे विच खेल खूल के तंग बहुत ज़्यादा, तो गली दे विच ना रंग बिरंगियां खुशबू आने लोगों के घर आदि गलियां दे विचों ना दरवाजे के मुख्तलिफ किस्म दी ना खुशबू आदि असी गली चो गुजरते ना जितों जितों, तो ऐसा लगता है कोई बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जो असी घर अपने एंटर होना ना, तो अम्मी ने किचन च सामने खड़े होना, तो असी ना जो एंटर होना तो इन्नी खुशबू आनी तड़के दी प्याज वाला, फिर ना मैं असी कहना अम्मी जी भुख लगी है, तो फिर यकीन कर वो याद आ जाती है। तो मेन चीज़ है यह चीज़ा जड़ियाँ याद करके ना यह जहाँ याद आ जाए कि पता नहीं बंदा इस दुनिया तो किस दुनिया चला जाता है, मगर वो लाइफ उस वक्त के हिसाब नालों भी अच्छा टाइम सी, ते न शुक्र है असी है नहीं, यह भी बहुत अच्छा टाइम है, कल नो पता नहीं किसान ना, मगर यह भी बहुत अच्छा है, ते बहुत ही अच्छा टाइम है भी। या फिर देखिए मसाला अच्छा हो गया, तो मैं थोड़ा सा नमक भैया सब कुछ होता रहना, चिकन का पीस तो फटा यार चेक करिए। हाँ, मेरी जान ने ए, मैं खुशकी बोटी ज्यादा गर्म ही बड़ी आपको हजे तो अं अपने ब्लॉग के ना जो अपने फ्रेंड्स को अपनी जो सुबह वॉक करने वाली बही है ना वो दिखानी है ना, तो वो बड़ा मज़ेदार है, अगे मूवमेंट होने करने मैं टेस्ट भी लिया आस पास चिकन का। आसपा पाकिस्तान दे विच जिसा आयल बहुत महंगा है, गैस आती नहीं, बिजली आती नहीं, हर चीज़ बहुत महंगी है, जो पानी भी महंगा होता तो फिर जिन्ना पानी तो ठोकनी है ना हर चीज़ दे जिन्ना ही पानी पीने है। पानी ये अल्लाह शुक्र है यार, सभी ने वीडियो बनाई है, वो आयल की हमने भी बनाई। हम सभी ने वीडियो बनाई आयल की, मैं आयल बैग बड़े खत्म कर देनी हूँ बार बार, वाह मैं मेरा आयल दूसरे दिन मेरा दूसरे दिन पैकेट आता आयल का, तो पता ही नहीं चलता। अभी सारे हट के वीडियो बनावे टिकटॉक के बनाई
कल देखी थी उस्मान चौधरी ने फिर मैं इसको लगाऊंगी वेट चिकन ऑयल चिकन फ्राई करूँ तो मैंने चावल में डाल लिया तो उसका जो चिकन होता है ना ऑयल का चिकन चिकन वाला उसमें चावल में डालती हूँ चावल बड़े अच्छे बनते हैं ये मैंने फ्राई कर लिया यहाँ पे मेरा मसाला रुको रख दिया वेट लगा दिया इसको वेट लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट फिर ये जो मसाला है ना ये चिकन जो मैंने फ्राई किया हुआ है इस तरह का फ्राई करना है ज़्यादा भी नहीं करना है इतना थोड़ा भी नहीं करना इस तरह का करना इसके ऊपर मैं थोड़ी सी काली मिर्च लगाई यहाँ पर मेरा पानी हो गया देखती हूँ उसका निज़ाम क्या है कह रहा ठीक हो गया मैं कहता मैं खुश हो गया हूँ जल्दी से चावल डालो हर बारी जो चेक करनी सही है मेरा सही होंगे चावल चावलों के बाद कावरे की जो ना चावलों की खुशबू आ रही है उसके अंदर भी डाले हैं तो जब पक रहे हैं ना तो फिर पहले अभी कावरे को कोई भूख नहीं है अभी देख रहे हैं बस इनको ना अच्छा लग रहा है बस मन तो ही अच्छी लग रही है अब ये जो चावल है मेरे ये आज बड़ी कम हो गई है लेकिन ये कोई नहीं मेरे चावल का हल्की आँच में भी बन जाएंगे यहाँ पे मैं पीस पाउडर ऐसे नीचे तवा लेना ही दम देना हाँ। मेरे ऐसे बड़ा अच्छा चावल है नीचे लगते नहीं है ऐसे बड़े बड़े अच्छे बनते हैं मैं तो कहना अस घरेड़ी बना मगर अस बनाते नहीं बनती नहीं है मेरी ये देखिए जी वो बनती है वो तुम्हारा के रख दो बस भूल जो ये देखें कितने अच्छे चावल बने हैं मैं सोच रहे सारे इसी तरह के मर जाते हैं खाने का चावल रेडी हो गए हैं या फिर मसाला हो रहा है रेडी यार जरा तू सीढ़ी वाला काम करनी है ना मेरा मसाला जो हो गया ना यहाँ पे रेडी ये हो गए इसको मैं डालना मजीद इसे इसे ऑयल छोड़ दिया ये बोल रहे माला शुरू हो गई मेरे पटाटो इसमें जाएंगे इसमें पटाटो डाल के भूलेंगे अच्छे से साथ में ये मेरे पास चिकन है ये भी इसके अंदर ही जैसे इसको भूलूंगी हाँ जी मैं जा ये आ गया भुना गया जाए अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी क्योंकि मैंने शोरबा बनाना शोरबा बस मैं तो अगर कहना पानी ही मुल बिकता फिर कम जिन्ना पानी आस पास सवाल
नहीं वैसे क्या हड्डी दे विच पानी भी चलता है अगर असीं ठीक चलता है ना ना नहीं तुसी अच्छा ओहो ओहो उधर ना ना जाओ मैं खा लेनी गल्ला सारी गल करो सारी गल करो पानी सारे बजे स्नान होता है देखे जी इसने पानी डाल लिया फ्रेंड देखे इसके ऊपर ऑयल भी आ गया मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी बाले आएंगे ये चूल्हा बंद कर दूंगी मैडम जी आ लगे बाबा इस मारा ले हम तो मैं सुबह तक ही गाड़ी ये रेडी हो गया मेरा चूल्हा बनने वाली बंद यहाँ पे देखे और यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर डालने वाली हूँ धनिया धनिया ना डालो तो हांडी का मज़ा नहीं आता ऐसे खुशबू आई है कलर नहीं बनता इसका इस तरह ये देखिए मेरा धनिया इसके अंदर चला गया साथ में गया ये जो है कच्ची मिर्चें मेरा मज़ा आता है इसका साथ में गया इसके अंदर मसाला गरम मसाला ये देखिए मेरा खाना रेडी हो गया इस तरह देखिए जी बच्चों के फेवरेट बने हैं आज ही उन्होंने खाने इसके अंदर डाल दिए चावल इसके अंदर डाल दिए मसाले इस तरह देखा देसी तरीके से खाएं इसका मज़ा भी आता है मैं दूंगी बच्चों को पूरी एंजॉय भी करेंगे और ये है जी आज की रेसिपी मेरी चिकन शोरबा चावल रेडी है ना यम्मी मज़े के लग रहे हैं ना इस तरह के चावल होते हैं तो खुशबू भी आ रही है और आपने मुझे कमेंट्स में बताना कि आलू शोरबा चिकन किस चीज़ को पसंद है और जो मैंने बनाया है वो कैसे बने माशाल्लाह जी माशाल्लाह मेरा बेटा रेहान भी आ गया कहता मामा मेरा नाम नहीं लेती थी व्लॉग में ना लेती थी लेकिन तू तो मेरा व्लॉग नहीं देखता लगता नहीं देखिए खाना मेरा रेडी हो गया माशाल्लाह मेरी फैमिली मेरी प्यारी मेरी हैप्पी फैमिली मेरी जान खाना खा रहे हैं सारे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं अपना अपना खाना और मैं इसी के साथ यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ व्लॉग लगाएंगे और हम नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करेंगे जो हमने लगाना है वो जो ट्योकी चार की रेसिपी ना उसकी मैं अलग से लगाऊंगी तो खाना वगैरह सभी बच्चे माशाल्लाह खाना खा रहे हैं तो इसी के साथ ही अभी फ्रेंड्स को अल्लाह हाफिज़ बाय मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक बाय मम्मा जी ये शामी अंडा किसे बेच रही हो किसी को किसी ने ना खाने बर्गर किसने यहाँ फरमाइश आई है कि हमने बर्गर खाने पापा ने खाना है नहीं नहीं कहीं भेजने हैं देखिए मम्मा जी बना रही है जो भी हो जाएगा मेरा तैयार है जी किसी की फरमाइश है हमारे खाना बर्गर मेरे हाथों का तो मैं उनके लिए बना रही हूँ बर्गर बस ये होगी बच्चों को खाना वगैरह खिला दे खाना हो गए अभी एक दो काम है बाकी करने वाले दे मम्मा जी बना रही है ये है प्याज और आटा आटा नहीं है क्या है वो नमक है नमक नमक यहाँ पे सही हो रही है गोलू बड़ा अच्छा वीडियो बनाता है सभी कहते हैं गोलू बड़ी अच्छी बातें करता है सभी फ्रेंड कहते हैं हाँ इधर गोलू नहीं सॉरी सुभान है मुझे छोटा गोलू फुबान कह दो छोटा फुबान क्या कह रहे तुझे छोटा गोलू सभी फ्रेंड्स आपको क्या बोले करे छोटा गोलू बोल लिया करो मुझे भी अच्छा तो जैसा लगता है हाँ जी आप यहाँ गोलू बोलती हूँ मुझे नहीं बोलती देखो मैं भी पापा जैसा बन रहा हूँ फ्रेंड्स को बोलोगी ना कि जो है ना मेरा सब आने ना कि मेरी कभी शामिल होगी यहाँ पे जाएगी नहीं इधर लगाओगी इधर तक इधर तक आना जरा मैं बम बर्गर तैयार कर रही है बाजार का बर्गर कैसे तैयार करते हैं हाँ मैं तो मुझे लगता है मैं उनसे भी अच्छा रेडी करती हूँ मतलब आज जैसे जैसे कि उनसे भी अच्छा बना लेती हूँ है ना देखिए कैसा बन रहा है अब इसके ऊपर से क्या डालेगा मायनीज ये मायनीज मुझे हैप्पी बनाऊँ हैप्पी 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 छोटू मेरा काम होना था हाँ तो गर्मी पड़ी है ये मामा ने गोल्ड बना लिया गोल्ड फाउडर ये देख रहे हैं क्या होने वाला है यहाँ पे ना कैचअप डालने वाली है
मीठी केचप, यहाँ पर टमाटर, यहाँ पे टमाटर डाले, प्याज डाला और टमाटर, फिर से प्याज टमाटर टमाटर और यहाँ पर भी प्याज डल रहा है। ये देखिए जी, बड़ा प्यारा मजे का बर्गर बनने वाला यहाँ पे, और अच्छा बनेगा, स्पाइसी भी होगा। कुछ मुझसे कम खाते हैं, हम तो खाते हैं ज़्यादा, अब कोई किसी का क्या पता, मिर्ची ना डाली तो उसको मजा नहीं आना, कहना सीसी किसे करना है। ये देखिए जी, यहाँ पे मरा हो गया रेडी, इसके ऊपर जाएगी क्यों केचप, मीठी केचप डाल चुकी। और ये देखिए जी हमारा, देखने में बड़ा यमी लग रहा है, यमी लग रहा है, मामा यमी यमी बना है, ऐसे यमी करना सही है, यमी 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 यमी। और अब होने वाला बूमी बूमी। अरे गाइस को दिखाओ कैसे अंडा बना रहे हो। ये गया ये अंडा, इसके ऊपर देखिए हमारी या फिर अंडा बकाड़ी है, और यहाँ पर देखने में बड़ा यमी लग रहा है। ये फाड़ी शिव अंदर डल चुकी है, देखो मैं आपको गौर भी दिखाता हूँ। बर्गर तो बर्गर, बर्गर तो बर्गर, या अभी इधर डाल रहा है अंडा। अरे बड़ा गर्म है, ये देखिए जी हमारा यमी बर्गर है, ये एक बर्गर रेडी हो गया, बस एक बजे एक बर्गर नहीं और होना है रेडी, फिर उसके बाद भेजेंगे नुमाना को, फिर नुमानी से यम यम खाएंगे, फिर वो लेके मजा आ गया। ये देखिए जी यहाँ पे मरा गया अंडा के ऊपर, मेरे मुंह में भी पानी आ गया देख के। वाह क्या बात है, तमाम दे दी मेरा दूसरा अंडा भी भाग गया। नहीं नहीं ये देखिए इसको, मेरा पेट फुल है। ये देखिए जी इसके ऊपर थोड़ा सा इसको किया मसाज। ये मम्मा का अंडा, ये क्या है मम्मा, ये कौन सा, ये वाला वो सौंफ है, वो तो मैंने ना अभी वो तैयारी कर ली है अपनी चार की तैयारी करनी है ना। मम्मा गाइस को चार दिखाओ, गाइस को चार दिखाया मैंने, मैं भी दिखाता हूँ ना, ये दिखाना मैं अभी अभी उसका वीडियो बननी है, अभी मैं इसको तैयारी तो कर लूँ ना, काका पकड़ू देखो अंडा भी जल्दी पक के अंदर डल गया। वाह शामी घर में फ्रीज कर लिया करे, जब भूख लगे तो तब बोलो बना के खाया करे, बन जाओ दे जिसके घर दे इस तरह ठीक है ना, ठीक है इस तरह ही दे। Thank you.